नमस्कार, स्वागत है फिर इस सप्ताह हमारे इस खास कार्यक्रम कानाफूसी गपशप और चर्चा पर आधारित। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। उत्तर प्रदेश में इन दिनों सियासी सरगर्मी तेज है, क्योंकि राज्यसभा का इलेक्शन होना है। भाजपा ने 8वां कैंडिडेट खड़ा करके विधायकों की चांदी कर दी है। सभी दल अपने विधायकों को खूब पूछ रहे हैं। दावतों का दौर शुरू होने वाला है और पार्टी के साथ रहने की तमाम सारी दुहाई दे रहे हैं। वैसे भी इस देश में ऐसे तमाम उदाहरण मौजूद हैं जब देश के उच्च सदनों में बड़े बड़े थैली शाह, उद्योगपति, ये लोग पहले भी संसद में जाते रहे हैं, जिसको कहते हैं कि बैक डोर की एंट्री। और ऐसी एंट्रियां अटैची और बड़ी बड़ी थैली उद्योगपतियों के दम पर ही होती थी। लेकिन ये भी सत्य है कि अटैची और थैली खोलने के बाद भी कई बार बड़े उद्योगपतियों को, नामों को, बैकडोर से एंट्री की चाहत रखने वालों को हार का भी सामना करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने एक ऐसे ही उद्योगपति को इस बार अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसकी वजह से राज्यसभा का चुनाव आकर्षण का केंद्र बन गया है। बीजेपी ने एक बड़ा रिस्क लिया है, वो संजय सेठ के मामले में फंसती भी नजर आ रही है। संजय सेठ जो पैसे से बिल्डर हैं, वो चुनावी मैदान में बहुत कम वोटों के दम पर उतरे हैं। उनके खाते में पर्याप्त विधायक नहीं हैं और भाजपा छोटी छोटी पार्टियों को जोड़कर भी उनको जिताने की स्थिति में नहीं दिखाई पड़ती है। ऐसे में एक बात साफ है कि छोटी पार्टियां जो बीजेपी की सहयोगी हैं या उनके से दूर हैं, उनके भी विधायकों का बहुत सुनहरा अवसर आया है। अपनी पार्टी में उनकी पूछ तो बढ़ ही रही है, दूसरे दल से भी लोग उनको बातचीत कर रहे हैं, उनके महत्व को बता रहे हैं। बहुत सारे विधायक ऐसे हैं, छोटी पार्टियां ऐसी हैं जो संजय सेठ की ओर से न्योता मिलने का इंतजार भी कर रही हैं, क्योंकि उनके नाम के आगे सेठ लगा है तो सेठ और महाजन के पास हमेशा से धन बल ये सब होता था और इसी के प्रभाव में उनको वोट भी मिलता है। भाजपा के पास आज भी सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो 7 विधायक कम हैं। ये 7 विधायक सिर्फ वो या कांग्रेस या सपा को ही तोड़कर अपने साथ लाकर पूरा कर सकते हैं। ऐसे में संजय सेठ को कोई फोकट में वोट दे देगा, इसकी गुंजाइश कम है। अगर राजा भैया और बसपा दोनों संजय सेठ को वोट दे दें, तब भी उनको 7 अतिरिक्त विधायकों का जुगाड़ करना है। बिना समाजवादी पार्टी में और कांग्रेस में तोड़फोड़ किए उनका सांसद बनना कठिन है, नामुमकिन है, और समाजवादी पार्टी भी इससे सावधान है। खाली भाजपा की ही नज़र तोड़फोड़ पर नहीं है, सपा भी बीजेपी और उनके सहयोगी दलों पर तोड़फोड़ करने में, सेंधमारी करने में लगी हुई है। कोशिश दोनों तरफ से हो रही है और समाजवादी पार्टी के लिए 2 खबरें बड़ी राहत भरी आईं। एक तो पल्लवी पटेल मान गई और उन्होंने कहा कि वो पीडीए के प्रत्याशी को वोट देंगी। दूसरा, कांग्रेस से उनका गठबंधन हो गया, उनके 2 विधायक हैं। तो ये 3 जो वोट थे वो सपा के अखिलेश यादव के, वो सुरक्षित हो गए। अब उनको एक अतिरिक्त वोट का जुगाड़ करना है। सबकी नज़र राजा भैया के स्टैंड पर है और बसपा के वोट पर है। भाजपा के सहयोगी भी बयान देकर माहौल को गर्म कर रहे हैं, तो सेंधमारी का यह खेल दोनों तरफ चल रहा है। सपा ने एक टेक्निकल बात कहती है कि भाई राजभर के 3 विधायक पहले हमारे नेता थे, टिकट उनका था, आदमी हमारे थे। रालोद में भी 3 हमारे हैं, सिंबल उनका है। अब उनमें से कितने लोग क्या विचार बना हुए हैं? सुभाषपा में एक तो जेल में ही हैं, जो सुभाषपा अगर बाहर भी आ जाए तो वो भाजपा कोट नहीं देंगे। हंसूराम हैं और जौनपुर से एक विधायक हैं, आजमगढ़ से एक महिला विधायक हैं। ये सब
समाजवादी पार्टी के पहले नेता रहे, बाद में राजघर के टिकट पर चुनाव लड़ा दिया गया। भाजपा का गणित यह है कि हम द्वितीय प्राथमिकता के वोटों से ये सीट जीत लेंगे, संजय सीट सेठ को जिता लेंगे, लेकिन ये वोट पाना इतना आसान नहीं है और दूसरी प्राथमिकता के वोट कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। जब 100 वोट पड़ेगा तब एक अंक बनेगा द्वितीय वरीयता में, तो ये आसान खेल नहीं है। और लोकसभा चुनाव से पहले अगर संजय सेठ चुनाव हारते हैं तो किरकिरी बीजेपी की होगी और मनोबल विपक्ष का बढ़ेगा, ये सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए थी। वैसे मैं एक बात कहता हूँ कि भाजपा ने या तो इस चुनाव में खाली सपा को परेशान करने के लिए संजय सेठ को उतारा, या वो जानते हुए भी वो रिस्क ले बैठी, लेकिन इस आखिरी में अगर संजय सेठ हारते हैं तो फजीहत तो भाजपा की होगी। अब देखिए कौन कितना सेंधमारी कर पाता है, और जब चुनाव होगा 27 तारीख को तो सब सामने आ जाएगा।